हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव आसना शेयर करूंगी जो टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ख़ास करके आपको तो पता ही होगा कि गर्ल्स जब एक टाइम के बाद उनके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो ये सारे आसनास आप ड्यूरिंग आपके पीरियड्स में भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर फ्लो ज़्यादा है तो अवॉइड करिएगा फर्स्ट टू डेज़, वरना ये आप डेली इनकॉर्पोरेट करिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आपको ड्यूरिंग पीरियड्स में फेस करनी पड़ती है, बैक पेन, स्टमक एक, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, किसी को वॉमिटिंग फील होता है, राइट, इन सब चीज़ों से आप राहत पाएंगे इससे। तो ठीक है, जो फर्स्ट आसन है उसको स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है उत्थित त्रिकोणासना। इनहेल करेंगे, आर्म्स को स्ट्रेट करते हुए पैरों को खोलेंगे, राइट लेग को बाहर की ओर बाहर निकालेंगे और जो लेफ्ट लेग है उसको भी थोड़ा सा उसकी तरफ टर्न करेंगे। दोनों आर्म्स स्ट्रेट करते हुए आपकी जो बॉडी है आगे करते हुए दोनों आपके हाथों से आपको आपका टो पकड़ना है, इनहेल करना है और ऊपर आपके हाथ को देखते रहना है, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड से करना है इसको और आपके दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। टेक्स्ट जो है वो है मलासना। पैरों को खोलना है, टोस को बाहर की ओर करना है, आपका जो एल्बो है वो आपके नीज के पास रखना है एंड स्ट्रेच रखना है, होल्ड करना है इस पोज में। आपको ऐसे बैठे रहना है कुछ समय, ये बहुत अच्छा है बच्चों के गट हेल्थ के लिए भी। उसके बाद हम जाएंगे अर्ध मत्स्येन्द्रियासना। आपको आपका राइट लेग को ऐसे फोल्ड करना है, लेफ्ट लेग को क्रॉस करना है ऊपर, आपके बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपका राइट हैंड ऊपर करते हुए आपको कोशिश करनी है उस पैर की हील पकड़े, पीछे वाले हाथ को आपको पीछे रखना है ठीक मिडिल में, सेंटर में, और आपको पीछे देखना है। इसको आपको दोनों साइड से करना है। अगला जो है वो है नवासना। इनहेल, सीधा ऐसे बैठना है, आप आर्म्स को स्ट्रेट करना है, सांस लेते हुए आपको आपके पैरों को मैक्सिमम ऊपर करना है और आपके टोस को देखते रहना है। कोशिश करिएगा कि बैक जितना हो सकता है सीधा रहे, गर्दन पे कोई स्ट्रेस नहीं। रिलैक्स, ये हमारे पेट के लिए भी बहुत सही है, ये पेट का जो एक्सेस फैट है उसको रिमूव करता है, तो ये बेसिकली आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे सलवासना। पेट के बल लेटना है आपने, हाथों को आगे एक्सटेंड करना है, पैरों को जोड़ के रखना है, लंबा गहरा सांस लेना है, दोनों पैर इकट्ठे मिलाते हुए हाथों के साथ सांस लेते हुए आपने ऊपर देखना है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अर्धलासना, इसके लिए आपको लेटना है, पहले शवासन पोज में आना है, सांस लेना है आपने, दोनों पैर को इकट्ठे आपको 90 डिग्री होल्ड करना है, टोज को कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर रखें, घुटना जितना हो सकता है सीधा, और इस पोज में आपको बने रहना है 10 सेकेंड्स। एक्सहेल करिए स्लोली डाउन। अगला जो है वो है पूर्ण धनुरासना। अपने दोनों पैर के टो पकड़ेंगे, इनहेल करते हुए शोल्डर को ऊपर, थाइज अप, लुक करना है, आप ऊपर देखना है। स्लोली कम डाउन। ये आसनास आपके लोअर बैक के लिए बहुत सही है। बेसिकली जो लोग टीनेजर्स में हैं या खास करके गर्ल्स जिनके पीरियड्स में पेन रहता है, लोअर बैक में पेन रहता है, ये आसनास उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको मैंने आपको एक बार करके दिखाया, आपसे होगा तो आप इसको रिपीट करिएगा, एटलीस्ट 3-4 बार एक आसन को करिएगा और मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड रखिएगा। थैंक यू सो मच।